सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। नमस्कार, इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के जनपद आगरा से आ रही है। उत्तर प्रदेश के आगरा में बदमाशों ने मंगलवार शाम को एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। थाना सदर क्षेत्र के रोहता स्थित इंडियन ओवरसीज बैंक में करीब 58 लाख रुपए की लूट कर बदमाश फरार हो गए। सूचना पाकर पुलिस अधिकारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गई। हालांकि अभी बदमाशों का कुछ पता नहीं चला है, पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जानकारी के अनुसार सदर क्षेत्र में रोहता मार्ग पर इंडियन ओवरसीज बैंक की शाखा है। शाम के वक्त कुछ नकाबपोश हथियारबंद बदमाश बैंक में घुसाए और नकदी लूटकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि बदमाश करीब 58 लाख रुपए की नकदी लूटकर ले गए हैं। सरयाम बैंक से हुई लूट की वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई। आगरा से हमारे सहयोगी संदीप कुमार की खास रिपोर्ट। में रोहता एरिया में एक बैंक पड़ती है, इंडियन ओवरसीज बैंक का यहाँ पे ब्रांच है। इस ब्रांच में आज एक लूट की घटना की खबर मिली थी। मौके पे फील्ड यूनिट और पुलिस इत्यादि को बुलाया गया है। परीक्षण किया जा रहा है कि क्या कैसे कैसे वो लोग आए थे, कैसे ये घटना हुई थी। चार लोगों की सूचना यहाँ पे मिल रही है कि चार लोगों ने इस घटना को मिलकर कारित किया है। जो भी विधिक कार्रवाई है वो की जा रही है और पूरी कोशिश ये रहेगी कि जल्द से जल्द ये मुलजिम जो है वो पुलिस की गिरफ्त में आ जाए। देखिए, कैश अभी अनसर्टन है, पर 50 लाख से ऊपर की कैश की ये लूट बताई जा रही है। जैसे क्लियर होगा वो क्या कुछ असला कुछ उपयोग में लाए गए थे, कुछ कट्टा भी था और संभवतः इसमें छुरा और इत्यादि का भी इस्तेमाल किया था। किसी को किसी भी प्रकार की चोट नहीं है। बैंक के अंदर घुस के वारदात अंजाम दिया।